चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। देखिए, इसको पढ़ने से पहले ये इंश्योर कर लीजिए पुराना सारा अच्छे से आपको आता है, और प्लीज़ नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाइए, नीट एंड क्लीन बनाइए, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज मामला सही नहीं है। सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या गंदे तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बात सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हटा करके। जबकि कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इंक्लूड करके। नो, व्हाट इज दिस एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट? बड़े ध्यान से समझना। जितने भी केसेस अभी तक आपने मेरे साथ पढ़े वो सारे एक्स इंटरेस्ट केस थे। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर राम परचेस्ड 300 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 99 ईच, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th June and 31st December at the rate of 12% per annum, ठीक है, और आपको दिया डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज आपको दी, सपोज हमने चलो अच्छा सा दे देते हैं 1 मई, ठीक है, ये मैंने आपको दिया। और अब मैं आपके सामने दो केसेस रख रहा हूँ, केस वन केस टू। द केस वन इज प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, मतलब जो 99 ईच लिखा हुआ है ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, ये जो 99 आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, या ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, प्राइस इज कम इंटरेस्ट लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है बताऊंगा जो फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे होंगे। या तो उसका हिंट गिवन होगा, और अगर हिंट गिवन नहीं है आपको तो उस केस के अंदर फिर हमें एक्स इंटरेस्ट, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, अदरवाइज आप ये मान के चलिए आपको गिवन होगा। देखिए, अब ये है क्या सर, आप छोड़िए, जितना अभी तक आपने मेरे साथ सीखा है उसको अप्लाई करिए, सिर्फ जो सीखा है वो आपने क्या सीखा है, 300 डिवेंचर खरीदे 99 के हिसाब से, भूल जाइए एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट सब कुछ। कब खरीदे जी? 1 मई को, टाइम स्केल बनाया, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या रही होगी, 31 दिसंबर, ऑब्वियसली मई से पहले आता है, बाद में क्या आता है 30 जून। कितना टाइम पीरियड है जी? जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल, 4 महीने हैं, 1 मई है ना उसके, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा फेस वैल्यू पे निकलता है, 300 डिबेंचर है, फेस वैल्यू हमेशा 100 पे रहती है, 12% के हिसाब से, ये सुनो, 4 महीने के लिए, मेरी बातें समझ आ रही हैं, तो कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया, ठीक है जी। नाउ अब अगर आप देखें तो जो हमारा परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस वो कितना है 99, तो 300 × 99 आप लेंगे, 300 × 99 तो वो हमारा आ रहा है 29700, ठीक है, यही किया था हमने, इसमें अब ये ऐड करिए 1200, तो ये कितना आ रहा है बेटा 30900, ये सुनो। तो ये आपने जो अभी तक सीखा, एंड दिस केस इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब ये जो 99 प्राइस है ये एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट है, दिस प्राइस एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, और इसी वजह से मुझे इस 29700 में 1200 रुपये अलग ऐड करके टोटल निकालना पड़ा 30900 रुपये का। लेकिन जितना भी अभी तक आपने किया वो सारा बेसिकली है ही एक्स इंटरेस्ट, अगर कम इंटरेस्ट होता तो क्या होता सर? बड़े आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है एकदम। कम मतलब कि ये जो 99 का आपको प्राइस गिवन है, दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट तो वैसे ही निकालोगे जैसे निकालते हो, 1 मई, 31 दिसंबर,
ठीक है, पूरा इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मेट जो है एकदम सेम रहेगा जैसे आप निकालते, और मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन हमें पता है जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आएगा, 1200 रुपये आएगा। ये सुनो, अब प्राइजेस कम इंटरेस्ट मतलब जो आपने टोटल अमाउंट पे करना है वो पे करना है 300 × 99। कितना आया ये, 30,000, नहीं ये आया था 29,700, 29,700 रुपये। ये टोटल अमाउंट पेड है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है सर इसके अंदर, इसके अंदर 1200 रुपये आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब आपकी जो परचेज प्राइस है, या मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी कितनी है, 29,700 आपका इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट था। तो 29,700 में से आप 1200 रुपये इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो जो आपका 28,500 है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यू आर गेटिंग द फंडामेंटल डिफरेंस। अगर 99x इंटरेस्ट है, मतलब ये 99 × 10 करके सीधे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगी। लेकिन अगर 99 आपको कम इंटरेस्ट वैल्यू गिवन है, इसका मतलब जो आपको 99 × 300 करके मिलेगा, दिस इज द टोटल अमाउंट पेड, दिस इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें से आप इंटरेस्ट हटा करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी निकालेंगे, बस इतना सा डिफरेंस। तो मैं एक समरी लिखूं, आप भी लिखेंगे उसे मेरे साथ। इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होगा बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी निकलेगी सीधे नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जो भी आपका गिवन है वो सीधे क्या निकलेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, कम मतलब इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, बस इतना ध्यान रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो आपका टोटल अमाउंट पेड है वो निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय कम इंटरेस्ट प्राइस। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, इस टोटल अमाउंट पेड, ये आपको गिवन है ना, इस टोटल अमाउंट पेड में से इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा तो आपका आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं किसी तरह का कोई इसके अंदर आपको डाउट अब नहीं है। कम इज इंक्लूडिंग, एक्स इज एक्सक्लूडिंग, जितना सीखा था अभी तक वो सारा एक्स ही था, कम एक आपने नई चीज इसके अंदर आपने देखी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या लेना है, एक्स इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अदर वो कोई ना कोई हिंट दे रहा होता है। इसके ऊपर हम ज्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम अपना फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये एग्जैक्टली सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखना है, कम इंटरेस्ट इज टोटल अमाउंट पेड, एक्स इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ध्यान भी क्या रखना है, कम का मतलब इंक्लूडिंग है, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग। देखिए, अब जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या होगी, एक्स इंटरेस्ट आपके पास है, उसमें आपने 30,900 टोटल पे किए, 1200 इंटरेस्ट, 29,700 परचेज प्राइस। तो एक्स इंटरेस्ट के केस में जो आपकी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी बताओ, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट 29,700, उसके बाद 29,700 ही है ना भाई, हाँ, इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 1200, ठीक है, टू बैंक टोटल हमने पे किया, ठीक है, 30,900। यही अगर कम इंटरेस्ट होता तो क्या होता, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट अमाउंट, अभी मुझे पीछे से देखने पड़ेंगे सारे,
टू बैंक में टोटल अमाउंट आता आपका 29,700, ठीक है। और यहाँ आपका कितना आता 1,200 और 28,500, 28,500 और 1,200, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फुल फ्लैश क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करूंगा, थोड़े 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 करके, ठीक है। जितने बेसिस के बेसिस पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पहले नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं और उससे हम चीज़ों को आगे और बिल्डअप करते हैं। यहां तक आप प्लीज़ सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए।